नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपका ये लाइव टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को रूस का राष्ट्रपति चुना गया, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो ऑप्शन सी, चौथा कार्यकाल। अगला है, 70वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा वार्षिक नेटवर्क सम्मेलन 2018 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन डी, भारत। अगला क्वेश्चन बनता है, निदाहास T20 त्रिकोणीय श्रृंखला 2018 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया? तो ऑप्शन सी, वाशिंगटन सुंदर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक जलन पैदा होती है? तो ऑप्शन बी, भाप के द्वारा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। किसे प्लास्टिक मनी अथवा स्मार्ट मनी कहा जाता है? ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, मणिपुर में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, आम्र वर्षा ओडिशा, और बाकी के जो तीन हैं जैसे कि आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? तो ऑप्शन ए, बलवन। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? तो ऑप्शन सी, 6 वर्ष। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो ऑप्शन बी, 6 माह। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्ल सिटी कहा जाता है? ऑप्शन बी, हैदराबाद। क्रायोजेनिकी किससे संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन बी, निम्न तापमान। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो पश्चिमी पंजाब में। कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन बी, हीलियम मतलब HE। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? ऑप्शन बी, कैरोटीन। क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, देहरादून। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा क्रम का देश है? तो 7वें। येन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन सी, जापान। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, गोवा। जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, यसदीकरण कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। क्यूबा की राजधानी का नाम बताइए? तो ऑप्शन डी, हवाना।
इनमें से भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी त्रिशूल। केंद्रीय मंत्री परिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन सी लोकसभा। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन डी हिंदी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन डी कृषि। भारत ने अपना नाम कहां से प्राप्त किया? ऑप्शन बी आर्य। पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी सितार। अगला है सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किस देश को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन सी नॉर्वे। रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? ऑप्शन डी नवंबर माह में। वैक्सीन या कह सकते हैं टीका से किस रोग की बेहतर रोकथाम की जा सकती है? तो ऑप्शन डी पोलियो। किस घटक से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी? तो हवा। नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो ऑप्शन डी मछली उत्पादन। क्वेश्चन बनता है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग है। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी 835/1000। रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ? तो ऑप्शन सी अंबाला। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन डी सभी। मतलब पहला है बुद्धो माता का मेला लगता है मार्च में, और सहा चोखा खोरी का मेला अप्रैल मई, शिवजी का मेला फरवरी। निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में मदद की? तो ऑप्शन ए नाहर सिंह। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन डी पीटर जैक्सन। धतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन ए पहलवानों के विशाल दंगल का आयोजन। फरीदाबाद में बाबा वक्सीनाथ की याद में आयोजित मेला कौन सा है? तो ऑप्शन डी फूल डोर का मेला। पुष्कर तीर्थ में किस तिथि को स्नान करने पर पुण्य मिलता है? तो पूर्णमासी। निम्न में से किस मेले से छोटे बच्चों को खसरा व चेचक के ठीक होने की मान्यता संबंधित है? तो ऑप्शन ए माता का मेला पानीपत। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग शामिल है? तो 34.88%। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? तो 2 बार। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1965। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? तो ऑप्शन डी पूर्वोत्तर प्रदेशों में। अगला है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई? तो ऑप्शन सी 15 जिलों में। हरियाणा के किन जिलों में पोल्ट्री प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ऑप्शन सी करनाल एवं नीलोखेड़ी। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ऑनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो ऑप्शन सी SRAM।
सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी फ्लैश, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम खालिस्तान होगा। तो ऑप्शन बी CDRW। USB संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन ए द्वितीयक। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर वायरस बॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी स्पॉन। निम्न में कौन सत्य है? ऑप्शन सी रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन। गाइस थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुंह में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आप मैनेज कर सकते हैं गाइस। कल से आपको रेगुलर अच्छे वीडियो मिलेंगे। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो ऑप्शन ए आधा आपका तद्भव हो जाएगा। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन बी प्राणेश। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो ऑप्शन बी कृष्ण। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।